आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो केराटोकोनस के लेजर ट्रीटमेंट्स हैं उनके बारे में। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात। तो देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि केराटोकोनस का आजकल हम इलाज करते हैं कस्टमाइज्ड लेजर द्वारा। इस लेजर के अंदर हम जो आंख की कॉर्निया है उसकी शेप जो खराब हो गई है, कोनिकल हो गई है, उसके कोन को रेगुलराइज करते हैं, यानी कि कोन को वापस से गोल बनाते हैं। इसको करने के दो मेन साइंटिफिक नाम अगर हम कहें तो दो हैं। एक है टोपो लिंक्ड C3R, जिसका कहने का मतलब यह है कि हम लेजर का इस्तेमाल करके कॉर्निया की शेप को रेगुलराइज करें मशीन को इस्तेमाल करके। दूसरा जो है वो ट्रैक है, जिसको हम कहते हैं बेसिकली कस्टमाइज्ड एपिथेलियल रिमूवल। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जब केराटोकोनस ज्यादा एडवांस हो जाता है, यानी मॉडरेट ग्रेड का केराटोकोनस हो गया है, तो ऐसे में टोपो लिंक्ड C3R पॉसिबल नहीं बचता। तो हम कस्टमाइज तरीके से केवल जो कोन की चोंच है, यानी कि पहाड़ी की जो एकदम चोटी है, उसको हम ब्लंट कर देते हैं, रेगुलराइज कर देते हैं। ओवरऑल कॉर्निया की शेप उससे मच बेटर हो जाती है और नजर की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। आज मैं आप लोगों से कुछ केसेस हमारे डिस्कस करूंगा और मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि हम ये कैसे कर पाते हैं। हमारे पास ये जो मशीन है हमारी श्विंट सीरियस, इसके अंदर हम ये कस्टमाइज ट्रीटमेंट्स को प्लान करते हैं और इसकी इमेजिंग को कैप्चर करके हम वो ट्रीटमेंट्स कर पाते हैं अपनी श्विंट एमारिस मशीन पे। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, श्विंट एमारिस के अलावा दुनिया की कोई भी और मशीन ये ट्रीटमेंट्स को करने में सक्षम नहीं है। उसका रीजन ये है कि इस मशीन में कुछ ऐसी खूबियां हैं जो किसी और मशीन में नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात उनमें से है 7D ट्रैकिंग। 7D ट्रैकिंग के द्वारा हम आंख की और सर की तीनों डायमेंशंस, 3D प्लेन में हम अच्छे से ट्रैकिंग कर पाते हैं, और 7th डायमेंशन जो कि टाइम है, उसके साथ हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी, और उस हिसाब से जो लेजर स्पॉट्स हैं वो अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। तो कस्टमाइज ट्रीटमेंट का नंबर 1 सक्सेस रेट जो है उसका कारण ट्रैकिंग है, 7D ट्रैकिंग, जो केवल और केवल इस मशीन में हो पाती है। इसके अलावा जो इस मशीन की खूबियां हैं वो हम यहाँ पर हमारी मशीन पे देख पाएंगे, तो चलिए हम देखते हैं। तो अभी हम एक केस डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ये हमारे पेशेंट हैं जिनको ये 18 ईयर ओल्ड है, 18 साल के हैं, और इनको केराटोकोनस कुछ समय से डायग्नोज्ड है। इनको पता था कि इन्हें साफ नहीं दिखता है, पर इन्हें पर्टिकुलरली कोई खास दिक्कत नहीं हो रही थी अपने काम में, जब तक ये ज्यादा हायर स्टडीज की तरफ नहीं गए। वहां पर जाके इनको रियलाइज होना शुरू हुआ कि इन्हें काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो उसके बाद ये हमारे पास आए, हमने इनको केराटोकोनस डायग्नोज करा, और कुछ वक्त के बाद इन्होंने फिर अपना ट्रीटमेंट कराया। तो हमारे ये जो पेशेंट हैं, इनका ये मैप हम देखते हैं, तो ये इनका कॉर्निया का मैप है, और आप देख सकते हैं कि ये जो रेड पोर्शन है, मैं आपको और जूम करके इसको दिखाता हूँ, तो इसमें ये वाला जो हिस्सा है इनका, ये जो रेड पोर्शन है, ये बेसिकली बहुत ज्यादा उभरा हुआ है। तो अगर हम इसको 3D में इमेजिन करें तो ये बेसिकली ऐसे करके बहुत ज्यादा आगे चोंच निकल के आ रही है। ये इनकी केराटोकोनस समरी है। इसमें हमें पता चल रहा है कि ये 9 डायप्टर्स से ज्यादा, यानी 9.5 डायप्टर्स का कोन है, यानी चोंच निकली हुई है काफी ज्यादा ऊंची, जिसकी वजह से इनकी नजर की क्वालिटी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये काफी ज्यादा डिस्टॉर्टेड है, यानी अगर ये लेटर्स पढ़ने की कोशिश करें तो ये लेटर्स आप देख सकते हैं कि इनको कितने डिस्टॉर्टेड दिखाई देते होंगे। ये HVZDS, इनको ऐसे हिला हुआ एकदम डिस्टॉर्टेड दिखाई देता है। तो ये बेसिकली हमें दर्शाता है कि इनकी कॉर्निया काफी ज्यादा खराब है और इनको काफी ज्यादा तकलीफ अपनी नॉर्मल जिंदगी में इस केराटोकोनस के कोन की वजह से, डिस्टॉर्शंस की वजह से हो रही होगी। अब हमने इनका जो ट्रीटमेंट किया वो बेसिकली हमने एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान किया इनके लिए, कस्टमाइज्ड एपिथेलियल रिमूवल है। इसके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है,
कि हम पेशेंट का जो कोन है उसको ब्लंट कर देते हैं, बाकी सारी चीजें हम एज इट इज रहने देते हैं, और उसके बाद C3R करके पेशेंट का कोन फिक्स करके उसके बाद उसको फ्रीज कर देते हैं। तो बेसिकली हमने कॉर्निया की शेप को बेहतर कर दिया, और बेहतर करने के बाद हमने उसको कॉर्निया के लचीलेपन को ख़त्म करके उस शेप को हमेशा के लिए वैसा बना दिया है, वो आगे फ्यूचर में कभी और ख़राब नहीं होगी और नोकीली नहीं बनेगी। तो अगर आप इनका एब्लेशन पैटर्न देखें, यानी अगर आप ये देखें कि कितने हिस्से का कौन सा एरिया लेज़र हटाने वाला है, तो वो केवल इनके कोन का कॉरस्पॉन्ड करेगा, यानी इनके कोन का जो हिस्सा है उस पर कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। आप देख सकते हैं कि बाकी सारे हिस्से पे हम कोई लेज़र नहीं करने वाले हैं। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको और ज़्यादा कस्टमाइज कर सकता हूँ, जैसे कि अब मैं इस सिंगल मैप पे आ गया, मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैं यहाँ मेजरमेंट करूँगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसका क्या रेडियस है। तो अगर मैं देखूँ तो ये बेसिकली हमारी ग्रिड लाइन से हमें पता चलता है कि ये करीब 2.5 mm का रेडियस ऐसे है, और वर्टिकली देखें तो भी ये करीब 1.75 से पॉइंट से, तो 1.75 का ये वर्टिकली है। तो हम इसको, ये जो हमने अपना एब्लेशन पैटर्न बनाया है, इसको हम इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं कि हम इसको लॉन्ग एक्सिस हमने ये रखा और इसको कर दिया हमने 1.75। तो आप देख सकते हैं कि अब मेरा जो एब्लेशन है वो कस्टमाइज होके बिल्कुल एग्जैक्टली कोन वाले एरिया पे हो गया है। ये जो चीज़ है, सिर्फ मैं इतने हिस्से के कोन को ट्रीट करूँ, बाकी सारे एरिया पे कोई डिस्टर्बेंस ना करूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इसी मशीन में पॉसिबल है। PTK CAM इस सॉफ्टवेयर का नाम है जिससे ये किया जाता है। तो इस ट्रीटमेंट को हम कहते हैं ट्रैक, और हमने ये ट्रीटमेंट पेशेंट का परफॉर्म किया, उसके बाद हमने इन पेशेंट का दूसरा स्कैन लिया। तो हम इस स्कैन को कंपेयर करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 57.22 है इनकी केराटोमेट्री, बाकी सारा एरिया ग्रीन येलो ब्लू जोन में है, ये बिल्कुल डार्क रेड है। डार्क रेड मतलब ये इस लेवल पे जा रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये इस लेवल पे 61 के आसपास तक इनकी केराटोमेट्री के कुछ स्पॉट्स आते हैं। अब अगर हम इसको कंपेयर करें हमारे अब नए पोस्ट ट्रीटमेंट केराटोमेट्री से, तो आप देख सकते हैं कि इनका कोन जो है वो इस जोन में पहुंच चुका है, यानी कि यहाँ से 60 से हम 50 पे आ चुके हैं। तो ये इनका केराटोमेट्री 50.92 है, तो करीब करीब 9 diopter का डिफरेंस इनके कोन में आ गया, और इस पेशेंट की विजन फ्रॉम 1 meter फिंगर काउंटिंग एट 1 meter यानी 1/60 से 618 हो गई, यानी कई गुना इम्प्रूव हो गई। तो बिना चश्मे के हमारे ये जो पेशेंट हैं ये पहली बार, कई सालों में पहली बार बोर्ड पढ़ पा रहे थे, और बोर्ड की इनफैक्ट 4th-5th लाइन तक आराम से पढ़ पा रहे थे। अब हमने इनको स्पेक्टिकल्स दिए और स्पेक्टिकल्स लगाने के साथ इनकी विजन 6-9 हो गई। अब फ्यूचर में हमने इनका प्लान किया, ये चाहते हैं कि इनका चश्मा भी हट जाए, तो हमने इनको बोला है कि आप 6 months वेट करिए एंड उसके बाद हम ICL सर्जरी करके आपका चश्मा भी हटा देंगे। तो ये है ब्यूटी इस ट्रीटमेंट की। तो ये हमारे दूसरी पेशेंट हैं, ये 24 years old हैं, इनकी विजन दोनों आईज मिला के इनको ऊपर के 3-4 letters दिख जाते हैं बोर्ड के, पर अगर हम इंडिविजुअल एक एक आई से देखें तो इनकी विजन लेफ्ट आई में 6/60 है, यानी कि इनको ऊपर के बोर्ड का सबसे ऊपर का लेटर दिखाई देता है, उसके अलावा इनको कुछ नहीं दिखाई देता। ये चश्मा लगाने के बाद की सिचुएशन है। अब हम देखते हैं इनका कोन, तो अगर हम ध्यान से देखें इसको तो यही सेम पैटर्न, रेड डार्कर रेड सेंटर में हमें दिखाई दे रहा है, और 55 रीडिंग है केराटोमेट्री की। अगर हम सिंगल मैप में इसको थोड़ा जूम करके देखें तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 55 डायप्टर्स की इनकी केराटोमेट्री है। तो ये कोन इनका मेनली इनको प्रॉब्लम दे रहा है, बाकी सारा एरिया इनका लगभग ठीक है। तो हम चाहते हैं इस कोन को रेगुलराइज करना, पर साथ ही इनका चश्मे का नंबर है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, तो हमने चश्मे के नंबर को कम कर दिया और कोशिश करी कि जितना भी हम इररेगुलर एस्टिगमेटिज्म, यानी कि ये जो
कॉर्निया की इरेगुलरिटी है, इसको जितना हम रेगुलराइज कर सकें उतना करें, और चश्मे का नंबर जितना कम से कम कर सकें वो करें। तो हमने इनका ट्रीटमेंट किया टोपोलिंक C3R द्वारा, जिसके अंदर हम एक कस्टमाइज प्लान करते हैं कि हम कितना सिलिंड्रिकल पावर हटाएंगे, कितना स्फेरिकल पावर हटाएंगे, ताकि पेशेंट को कंफर्टेबल विजन और नज़र की क्वालिटी का एनहांसमेंट मिल जाए। तो हमने इनका ट्रीटमेंट किया और वो इतना एक्यूरेट रहा कि अब आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि आप देखें इनका कोन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, कंप्लीटली रिजॉल्व हो गया, और अब इनका जो कॉर्निया है इसका मैप ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसा दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही मैप एक ऐसे व्यक्ति का होता है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आंख में, और इस पेशेंट की विजन सरप्राइजिंगली 6/6 आई। ऐसा लगभग 40-50% पेशेंट्स के साथ हम कर पाते हैं कि मॉडरेट केरेटोकोनस, जिसमें केरेटोमेट्री 57-58 जा रही है, उसको हम रेगुलराइज करके 46 पे ले आए, और विजन जो है वो ऑब्वियसली कॉरस्पॉन्ड करती है इस ट्रीटमेंट को, तो इनकी विजन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। तो अगर मैं आपको दिखाऊं इसको, अगर मैं आपको इनका मैप दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि ये इनको अब लेटर्स की क्लैरिटी जो है वो इतनी अच्छी हो गई कि ये 6/6 की लाइन तक इनको दिखाई दे जाता है। ये सिमुलेशन है, ये जो मशीन है ये बता रही है कि ये डिस्टॉर्शंस अब ऐसे हैं। और अगर मैं आपको इसको इसको आप ध्यान से देखें, अब हम मैं इसको प्लान करके आपको दिखाता हूँ कि जब ये ट्रीटमेंट से पहले इनको कैसा दिखता था, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये है ट्रीटमेंट से पहले का मैप, और अगर हम इसको देखेंगे, अगर हम कंपेयर करके देखें, तो ये मैप और ये मैप के बीच में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि दोनों के बीच में कितना ज़्यादा वेरिएशन है, ये प्री और ये पोस्ट। तो ये है जो कस्टमाइज टोपो लिंक्ड C3R का फायदा है, जो अगेन 7D ट्रैकिंग से बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल और एनहांस हो जाता है। यही ट्रीटमेंट्स डिफरेंट मशीन्स पे अवेलेबल हैं, और मैंने खुद बहुत बार एल्कॉन की वेवलाइट मशीन पे ये ट्राई किया है RP सेंटर में जब मैं था एम्स में। तो हम काफ़ी कोशिश करते थे कि केरेटोकोनस को लेज़र द्वारा हम ट्रीट कर सकें, बट हमें रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि उस मशीन में ट्रैकिंग का मैकेनिज्म नहीं है, 7D ट्रैकिंग नहीं है, इसलिए जो भी ट्रीटमेंट हम प्लान करते थे वो अच्छे से नहीं हो पाता था। दूसरी चीज़ एक इस मशीन में चीज़ है जो कि आयरिस की कैप्चर है। तो आयरिस का कैप्चर का एक्विजिशन इस मशीन में मोर देन 99% केसेस में हो पाता है, जबकि कॉन्टूरा के अंदर वो 40-50% केसेस में ही हो पाता है। तो नॉर्मल रूटीन लेसिक में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पर जब कस्टमाइज ट्रीटमेंट की बात आती है तो उसमें इस मशीन का कोई टक्कर नहीं है। इसलिए जब से हमारे पास ये मशीन है पिछले 1.5 साल से, हमारा केरेटोकोनस ट्रीटमेंट का जो मोडालिटी है वो बहुत ही अच्छा हो गया है, क्योंकि हमें कोई पेशेंट को स्कार नहीं देना होता आँख पे, पेशेंट की आँख बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, वो एकदम रूटीन लाइफ में वापस जा पाते हैं, उनको लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहते, लंबे समय कोई दवाइयाँ नहीं डालनी पड़ती, और बिना चश्मे के उनकी विजन इतनी अच्छी होती है कि वो लाइफ के सारी चीज़ें अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा इंसाइट मिला ये लेटेस्ट टेक्निक ऑफ केरेटोकोनस ट्रीटमेंट के बारे में, एंड आई होप आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जिन लोगों को इसकी जानकारी की ज़रूरत है, उनके साथ इसको शेयर करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं इस चैनल पे स्पेसिफिकली केरेटोकोनस और चश्मा हटाने के लेज़र्स वगैरह के बारे में जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करता रहता हूँ। आप होप करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद हो। अब बिना चश्मे के क्या दिखना, ऊपर का कोई एक नंबर भी नहीं दिखना, बस नंबर कोई नहीं दिख रहा, और इस हिसाब से भी बिना चश्मे के कोई नंबर नहीं दिख रहा, बिल्कुल धुंधला दिख रहा है। 5074327320547040757। मेरा नाम मुस्कान है, मैं पलवल हरियाणा से आई हूँ। मेरे को आँख में केरेटोकोनस की प्रॉब्लम थी, तो मुझे पहले क्लियर नहीं दिख पाता था मतलब इस आँख से। अब तो मैंने डॉक्टर प्रख्यात पे अपने ट्रीटमेंट कराया, उसके बाद मेरी काफ़ी क्लियर थी है। मैं
मैं सभी को ये बताना चाहती हूँ, अगर किसी और को भी ये प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से जरूर मिले, मुझे तो काफी अच्छा लगता है।